करनी है तो मुझे ना मोटरबाइक की जरूरत है, मुझे कॉलेज जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या दौड़ हो गई तुम्हारी, बहुत जरूरी है। क्या बकवास कर रही है मरिया पे, क्या बात, चुप तो कर दो मम्मा। मतलब मुझे बस कर दिया, नया जमाना हो गया लड़की। बात करेंगे अब, जाओ दिखाओ जी, दिखाओ। आप तो मेरी बात सुन रही हैं, देखिए मेरी सारी मेरी बात कभी नहीं सुनने वाली हो, बदतमीज। दिखाओ जा, तुमने क्या दिया बच्चों को तबीयत, मेरी बात सुन रही, इसने क्या भी आपके सामने बकवास की है, फिर भी उसकी उम्र है बाइक चलाने की, आप क्या बोल रहे हैं। मैं समझता हूं पर अभी तो सिर्फ छोटी हो, उसे समझ छोटी है समझ नहीं क्या क्या रिवाइव को भूल जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ये देखिए मेरी बहन ने स्पोर्ट में गोल्ड मेडल लिया है। माशाल्लाह नी माशाल्लाह, सदके सदके देख लें कितनी लाइफ आई है हमारी बेटी। देखिए आपने बेटा, अपने बाप को कहो कि ये तुम क्या बेटी को करवा रहे हैं, अभी उसको घर काम में मदद करवाओ, ताकि आपको जो भी नहीं है आपके घर के ख्याल, आप मैं तो कहूँगा उनके घर के अलग मामला, हमारे घर के अलग मामला। आप छोड़ो, आप बिना कितनी टेंशन लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम दादी, आप क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं। मेरी प्यारी दादी, सबसे अच्छी दादी, क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? कौन सी? मुझे मामा पापा को मनाना है, आप उनके उनमें मेरी मदद कर दें कि वो मोटरसाइकिल मुझे ले दें, मुझे कॉलेज जाना होता है। क्यों चाहिए तुम्हें मोटरसाइकिल, नहीं लेके देनी किसी ने भी? दादी आप तो मेरी फीलिंग्स को समझें। क्यों चाहिए, मैंने वजह तो बताओ। बहुत दूर है कॉलेज, बहुत लेट हो जाता है, एग्जाम्स में भी मैं पीछे रह गई हूँ। तो ना जाओ कॉलेज। क्या आपकी भी पुरानी सोच होगी। हाँ जाओ। बाजी बाजी आप मेरी बात मान लेंगे प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे बात करूँ। मेरी अच्छी बाजी प्लीज़ बोले बोले, मुझे साइकिल चाहिए प्लीज़, आप मुझे साइकिल दे दें, या फिर मैं आपकी या भाई की पुरानी साइकिल चला रहा हूँ प्लीज़। भाई तो बाइक चले गए ना पढ़ने के लिए, आप उनकी साइकिल ले लो, स्कूल भी उस पर जाए। थैंक यू बाजी, थैंक यू, बाय बाय। हाँ खुद तो तुम बिगड़ी रही हो, उसको भी तुमने बिगाड़ दे है। मम्मा क्यों नहीं समझ रही, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ बुराई क्यों नहीं है, लड़कियाँ ऐसे भैया काम नहीं करती, इसमें तो अपना आईता है, दूर ही रहा करो उससे। मम्मा अगर मैं मोटर बाइक चला लूंगी या वो साइकिल चलाएगी मरिया, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें मेरा प्यार देखा, फिर मेरी झूठी नहीं देखी। मम्मा इसमें कोई आइटम बम नहीं फट जाएगा, आप समझे प्लीज, इस बात को समझे, इसमें कोई बुराई नहीं है। मरिया मैं देख, मैं तुम्हें लास्ट दफा कह रही हूँ, आइंदा इस घर में मोटरसाइकिल का नाम नहीं होगा। मैं कह रही हूं मेरी बात को अपने दिमाग में रखो, बाइना निकालना। यो हेलो भैया मां, कैसी हो? तुम्हारा भाई हूँ, पता ही होगा मुझे तो मिल गई है परमिशन। तुम्हें मिली? मैं तुमसे 5 साल छोटा हूँ, तुम्हें तो कभी मिलेगी भी नहीं, अब क्या करोगी? तो चलोगी मेरे साथ सैर करने? नहीं तो मैं साथ ही जाऊंगी, मैं खुद चलाऊंगी। तुम ज्यादा वो ना हो, शक्ल देखिए चलाओगी, तफाओ मेरे कमरे से। क्यों जाऊं? मैं, ये मेरा कमरा है। नहीं मेरी बहन का कमरा, मैं क्यों दफा हो जाऊं? अगर आप तो मेरी बहन का जरा भी ख्याल होगा तो या इस तरह इस कमरे में ना जमाना भी तो था तुम्हें। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। ना सुनाओ, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। चल तो नहीं गई थी, हे हबीबा, हबीबा। हाँ जी। तुमने कुछ खाना तो नहीं है? नहीं। क्या टाइम हो गया, अभी तक तुम्हें भूख नहीं लगी, क्या खाया था? मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। अच्छा फिर दे दे। थोड़ी देर तो खाना लो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाँ जी जरा कर दें। मैं तो बहुत परेशान हूँ मरियमा के अब्बा, मुझे तो समझ नहीं आ रही मरियमा की। तुम भी उसे ऐसे डांटती रहती हो, वरना बच्ची है, सारे लोग आजकल के ज़माने में बाइक चलाते हैं, तो तुम भी मान जाओ बेचारी को चलाने दो। अब नहीं आजकल वो ज़माना ही नहीं रहा है कि लड़कियाँ अकेले बाइक जाएँ। दिल बड़ा करो, आजकल ज़माना आ गया, लड़के भी बाइक चलाते हैं, उसका भाई भी अब चला गया, तो वो कैसे जाया क्या करेगी कॉलेज? सही बात कह रहे हैं, वैसे भी अब लड़कियाँ पढ़ी लिखी अच्छी लगती हैं। मैं उसे खुद बाइक सिखा दूंगा, अगर बाइक सिखाने का मसला है
लेकिन उसे बाइक लेकर देना बहुत अभी ज़रूरी है इस वक्त। सही बात है, आपने जिम्मेदारी ली है, वैसे भी आप पे पूरा भरोसा है। हाँ ठीक है, आप उससे कहें, बिल्कुल सही बात आपने की है। सर मैं जा के बात करता हूँ, मैं उसे सिखा दूँगा। हबीबा ये लो खाना ले लो। आए